एग्जिट पोल के आंकड़े जारी हो चुके हैं, जिसमें एनडीए गठबंधन को एक बार फिर से प्रचंड बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं एनडीए गठबंधन बहुमत के आंकड़े से काफी दूर नजर आ रहा है। ऐसे में अब विपक्षी नेता इस एग्जिट पोल को खारिज कर रहे हैं। अखिलेश और राहुल गांधी तो ये तक कह चुके हैं कि एग्जिट पोल दिखावा है, क्योंकि 4 जून को एनडीए गठबंधन की सरकार आने वाली है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले आए तमाम एग्जिट पोल में एनडीए रिकॉर्ड सीटें जीतती नजर आ रही है। फिर भी विपक्षी नेताओं ने आंखें बंद कर एग्जिट पोल के रुझानों को नकारना शुरू कर दिया है। चाहे राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव, सबके सुर एक जैसे हैं। अखिलेश यादव ने लिखा, एग्जिट पोल का आधार ईवीएम नहीं डीएम है। भाजपाई एग्जिट पोल पहले ही तैयार हो गया था। एग्जिट पोल से जनमत को धोखा दिया जा रहा है। भाजपा को 300 पार दिखाना पहले से तय था। तो वहीं राहुल गांधी ने भी तमाम एग्जिट पोल को सिरे से खारिज कर दिया है। साथ ही दावा किया है कि इंडिया गठबंधन 295 सीट जीत रहा है। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर, कितनी सीटें आ रही है आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। आम आदमी पार्टी के विधायक और नई दिल्ली सीट से प्रत्याशी सोमनाथ भारती ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। सोशल साइट एक्स पर उन्होंने लिखा, अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो मैं अपना सिर मुंडवा लूंगा। मेरे शब्दों को लिख कर रख लो, 4 जून को सभी एग्जिट पोल गलत साबित होंगे और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। दिल्ली में सभी 7 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलेंगी। यानी इंडिया गठबंधन के तमाम दल को परेशानी एग्जिट पोल से हो रही है, क्योंकि एग्जिट पोल के आंकड़ों में एनडीए गठबंधन को एक बार फिर प्रचंड बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन बहुमत के आंकड़े से काफी दूर नजर आ रहा है, जिसको लेकर सियासत उफान पर है। ये एग्जिट पोल है और एग्जिट पोल जो लोग करते हैं उनके बारे में भी हमें और आपको पता है। हमें पूरी उम्मीद है कि 40 सीटें इंडिया गठबंधन की उत्तर प्रदेश से आ रही है। हमने वेस्टर्न यूपी से लेकर ईस्टर्न यूपी देखा है और आपने भी देखा है कि अखिलेश जी की सभाओं में लोग बेकाबू हो गए। जिस तरह से आप लोग दिखा रहे हैं, हमें लगता है कि इसके उल्टे नतीजे आने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। हमेशा बार बार कहते हैं, लोग दिन में सपने देखते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। कांग्रेस की हालत इसीलिए हुई है और आगे और होगी, क्योंकि दिन में सपना देखना इन्होंने बंद नहीं किया है। जमीन पर काम करें, जनता का विश्वास जीतें, खाली मोदी जी की आलोचना और गाली गलौज बंद करें। यानी बीजेपी जो 400 पार का नारा दे रही थी, वो उस पर एग्जिट पोल आने के बाद भी कायम है। लेकिन एग्जिट पोल आने के बाद इंडिया गठबंधन ने नया आंकड़ा देश के सामने पेश किया है। जो एग्जिट पोल से कोसों दूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। उत्तर प्रदेश के एग्जिट पोल में एनडीए गठबंधन बड़ी जीत की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। वहीं एनडीए गठबंधन को एग्जिट पोल में 9 से लेकर 12 तक सीटें मिलने का अनुमान है। ऐसे में वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो मोदी योगी की जोड़ी पर मुहर लगा रहे हैं, आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। अगर एग्जिट पोल का नंबर परिणाम में बदल जाए अगर एग्जिट पोल के आंकड़ों पर ईवीएम की मुहर लग जाए तो एक बार फिर मोदी योगी का जादू उत्तर प्रदेश में हमेशा हमेशा के लिए अजय अमर हो जाएगा, क्योंकि एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में एनडीए को 68 से 71 सीट का अनुमान है। इंडिया गठबंधन को 9 से 12 सीट का अनुमान है। बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिलने का अनुमान है।
तो पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है, मायावती ने विपक्ष का कितना नुकसान किया? मायावती का वोट बैंक कहां शिफ्ट हो रहा है? क्योंकि बीजेपी उत्तर प्रदेश में एग्जिट पोल से बेहतर परिणाम की उम्मीद लगा रही है, तो विपक्ष अब भी एग्जिट पोल को हजम नहीं कर पा रहा है। एग्जिट पोल ने यह दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है और उत्तर प्रदेश में 80 के सीटें राजग गठबंधन भारतीय जनता पार्टी जीतेगा और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजना जन जन में पहुंची है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन को जनता ने बुरी तरह नकार दिया है। समाजवादी पार्टी की गुंडई अराजकता चुनाव में भी खुलेआम दिखी। आप ग्राउंड रियलिटी में जब जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे, तो आपको असलियत पता चलेगा। एग्जिट पोल ये बने, आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप किसी से पूछ लिए कि एग्जिट पोल के कोई भी आदमी इनसे कुछ जवाब सवाल किया है या कोई पूछा है इनसे कि भाई ये बताओ कि नहीं आप किसको वोट दे रहे हो, किसकी सरकार बन रही है? बैठे हैं यहाँ पे 5-6-7 लोग हैं, आप किसी से पूछ लीजिए। तो घर में बैठे मनगढ़ंत आप तय कर दीजिए, जो योगी और मोदी और इन्होंने कहा निशाने 400 पार, तो 400 पार है। दरअसल जिस रणनीति के साथ बीजेपी यूपी के मैदान में उतरी, जिस चाणक्य नीति के दम पर अमित शाह ने पहले चरण से आखिरी चरण तक मोर्चा संभाला, जिस प्लानिंग के साथ मोदी योगी की जोड़ी ने रिकॉर्ड चुनावी जनसभाएं की, उसी का असर है कि महिला से लेकर मुस्लिम वोट बैंक तक को भेदने में बीजेपी सफल रही। आज हम लोगों ने मोदी जी के लिए दुआएं मांगी हैं, नमाजें अदा किया है कि नमाज पढ़ के हम लोग जितनी मुसलमान महिलाएं हैं सब लोग ने दुआ किया है कि नमाज पढ़ के कि तीसरी मरतबा प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से बने। सब लोग मिलके मोदी जी के लिए दुआ किए हैं कि मोदी सरकार फिर से आए। हम लोग चाहते हैं कि वो आके फिर से इससे अच्छा और ज़्यादा काम करें। हालांकि एग्जिट पोल के मुताबिक राम मंदिर, मुस्लिम आरक्षण जैसे मुद्दे भी चुनावी रण में अहम साबित हुए, तभी तो बीजेपी 2014 और 2019 के परिणाम से कहीं आगे निकल रही है। लेकिन विपक्ष को एग्जिट पोल का नंबर अब भी कबूल नहीं। मैं समझती हूँ कि इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि 4 जून को जो रिजल्ट आएंगे वह प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और आदरणीय प्रधानमंत्री तिवारा प्रधानमंत्री बनेंगे। विपक्ष को यह पप्पू मेकिंग बंद कर देनी चाहिए और विपक्ष को यह जानना चाहिए दैट इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, और मीडिया के बारे में इस प्रकार की बात कहना भी मुझे लगता है गुनाह है। ये मनोवैज्ञानिक बना रहे हैं। देखिए, हमारा कार्यकर्ता मजबूती के साथ अपनी ड्यूटी पर रहेगा और कहीं पर भी बेईमानी नहीं होने दी जाएगी और एनडीए गठबंधन और समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। तो क्या यूपी में एक बार फिर मोदी योगी का जादू चल गया? एग्जिट पोल में यूपी में बीजेपी की बड़ी जीत का फैक्टर क्या है? आखिर कैसे एक बार फिर हाथ और साइकिल का साथ कमजोर पड़ने लगा? अब इन सारे सवालों का जवाब 4 जून को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।